हेलो इंजीनियर, स्वागत और अभिनंदन है आपका सिंह गुरु जी के ब्रिज कंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग में। तो इंजीनियर, आज हम बात करने वाले हैं बॉक्स कलवर्ट में शेयर की का क्या काम है। तो आज हम जानेंगे शेयर की, क्या आपने कभी देखा है शेयर की जो बॉक्स कलवर्ट में यूज किया जाता है। हर जगह की का यूज होता है, जैसा कि अगर हम बाइक चला रहे हैं तो उसमें की जरूरत है, साइकिल चला रहे हैं उसमें भी की जरूरत है। अगर हम घर से बाहर कहीं घूमने जा रहे हैं तो बाहर भी हमको ताला लगाना पड़ता है, और ताला जो बंद होता है और खुलता है वो किससे खुलता है, आपके की से। तो हर जगह शेयर की का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि बिना चाबी से आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना तो आप बाइक स्टार्ट कर सकते हो और ना ही अपने घर को बंद कर सकते हो। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शेयर की के बारे में। तो शायद ही आपने शेयर की के बारे में सुना होगा, तो आज मैं डिटेल बताऊँगा कि शेयर की कहाँ यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं और ये क्यों करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि क्यों यूज करते हैं, क्या होता है करके, ठीक है। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। अगर आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि उनको पता चले कि शेयर की होता क्या है। तो शेयर की बहुत ही इंपॉर्टेंट है बॉक्स कलवर्ट में। बॉक्स कलवर्ट में शेयर की का यूज किया जाता है, क्योंकि अगर आप इसका शेयर की यूज नहीं करेंगे तो काफ़ी चीज़ें हैं जो नुकसान पहुंचाएगी आपको। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शेयर की पे, तो ठीक है। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए। हमारी कोशिश है कि ब्रिज और कलवर्ट का आपको पूरी जानकारी दें, कि ताकि आपको कहीं भी अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फिर साइट पर अगर आप काम करवा रहे हैं तो उसका तर्क वितर्क आपको पता रहे कि आप किस तरीके से कंस्ट्रक्शन वहाँ पर करवाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, शेयर की जानने से पहले हम बॉक्स कलवर्ट के बारे में जानते हैं। तो आप देख रहे हैं नीचे एक बॉक्स कलवर्ट भी बना है, और ये कहाँ बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में जानते हैं। तो पहले जानते हैं कि बॉक्स कलवर्ट होता क्या है, व्हाट इज बॉक्स कलवर्ट, ठीक है। तो बॉक्स कलवर्ट क्या होता है, यह एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो अलाउ करता है पासेज ऑफ ए वाटर, ठीक है, जो कि पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाता है। जहां पे पानी अप स्ट्रीम से आ रहा है, डाउन स्ट्रीम में उसको पहुंचाना है, तो वहां पे हम ये बनाते हैं। अगर बीच में कुछ रास्ता अगर उधर से निकाल रहे हैं, अगर हम बीच से रास्ता निकाल रहे हैं, तो उस टाइम हम क्या करेंगे, वहां पे एक छोटा सा बॉक्स कलवर्ट बनाएंगे ताकि पानी जो है इजिली निकल जाए और ऊपर से यातायात का साधन भी होता रहे। और तो और ये क्या करता है, ये व्हीकल को भी प्रोवाइड करता है। कुछ बॉक्स कलवर्ट हमारे बड़े भी होते हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, चेतन शर्मा सर ने आपको बॉक्स कलवर्ट के बारे में बताया था कि बॉक्स कलवर्ट कैसे होता है, उसका साइज क्या होता है और वो कहाँ कहाँ पे बनाया जाता है, कितने टाइप के होते हैं, ये भी आपको बताया गया था। तो मैं आज बस आपको ये बताने वाला हूँ उसी बॉक्स कलवर्ट में शेयर की कहाँ यूज करते हैं और शेयर की क्यों बनाते हैं। तो एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ कि शेयर की आप जब भी घर से बाहर जाते हो तो अपने घर में ताला बंद करके जाते हो। ताला कैसे लॉक होता है, वो लॉक होता है की से। अगर आप बाइक स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें भी आप की लगाते हो, अगर आप कार से जा रहे हो तो उसमें भी आप की लगाते हो, तब जाके आपका इंजन जो है वो स्टार्ट होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो की इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आज हम बात करने वाले हैं इसी पे, की कहाँ पे यूज होता है, कैसे बनाते हैं। तो मैं अभी बता रहा था आपको, बॉक्स कलवर ये पानी को भी पास करता है, उसके बाद व्हीकल को भी आने जाने में अलाउ करता है, फिर इसके बाद ये जंगल में अगर रोड जा रहे हैं तो वहाँ पे भी इसको बनाया जाता है कि जो हमारे एनिमल्स हैं वो एक स्थान से इस स्थान दूसरे स्थान पे बड़े आराम से चले जाएं और उनको कोई तकलीफ ना हो। ऊपर से गाड़ी आराम से जाएंगी, ये अपना नीचे से एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। और तो और ये रेलवे में भी अंडर पास का काम करता है। अगर रेलवे अगर जा रही है कहीं पर, रेलवे का लाइन अगर सड़क पे है, तो वहाँ पे आप देखेंगे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम हो जाता है, इसलिए क्या करते हैं वहाँ पे हम छोटा सा एक बॉक्स कलवर्ट नीचे बनाते हैं, जो अंडरपास के नाम से हम जानते हैं उसको। तो इसमें क्या है, नीचे आदमी लोग जो है अपना व्हीकल्स के साथ में वो पार्क कर लेते हैं और ऊपर से हमारी जो है ट्रेन जो है इजिली पास हो जाती है, ठीक है। तो यही हमारा है बॉक्स कलवर्ट। इसके बनाने से क्या क्या फ़ायदा हुआ, आदमी लोग ट्रेवल कर रहे हैं ऊपर से, फिर एनिमल भी पास कर रहे हैं, और तो और वाटर जो हमारे पानी है वो भी पास हो रहे हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कि ये जो है हमारा बनता किससे है, रेन्फोर्समेंट से और कंक्रीट से, इन्हीं का हमारा बॉक्स कलवर्ट बनता है। और तो और इसका जो शेप होता है वो रेक्टेंगुलर होता है, स्क्वायर होता है, और जिसमें टॉप में भी हमारा स्लैब होता है और नीचे भी हमारा स्लैब होता है, जिसको हम राफ्ट बोलते हैं। नीचे वाले को, बॉटम वाले को हम राफ्ट बोलते हैं, और ऊपर वाले को जो हमारा टॉप स्लैब हो गया, ये एक बॉक्स नुमा बना होता है। तो बहुत चर्चा कर ली हमने बॉक्स कलवर्ट का शेयर की। शायद आप लोग अभी भी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये शेयर की होता कहाँ है, कैसे बनाते हैं। तो मैं आप एक झलक और दिखाता हूँ। ये आप देखिए, ये एक हमारे स्टील है, ये शेयर की का हमारा स्टील है पूरा, ठीक है। अब ये शेयर की लगाते कहाँ पे हैं, काफ़ी लोग कंफ्यूज भी होते हैं। अगर ड्राइंग दे दिया जाए तो ड्राइंग में आप देखेंगे केवल ये शेप दिया रहेगा, ड्राइंग में आपको शेप मिला रहेगा,
ये सपोज कुछ भी हो सकता है एज पर ड्राइंग के हिसाब से, एज पर वहाँ पे लोकेशंस के हिसाब से, एज पर बियरिंग कैपेसिटी के हिसाब से, और तो जो हमारा लोड आ रहा है जो स्ट्रक्चर्स पे, जो हमारे बॉक्स कलवर पे लोड आ रहा है उसके हिसाब से ये बनाया जाता है। तो फिलहाल ये अभी ये लेंथ जो है 1000 mm है और ये अपना जो विड्थ है वो 1200 mm है और फिर ये इनका डायगनल जो आएगा वो डायगनल होता है। और नीचे देखेंगे, नीचे कुछ आपको ये डिस्टेंस मिलेगा ऐसा करके, ये जो है कुछ ऐसे शेप में है। ये देखिए, ये कुछ भी हो सकता है, ये 1000 mm है, फिर ये 1200 mm है इनका जो, फिर ये जो लेंथ है ये अपना 200 है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का जो डायगनल आएगा वो निकाल के बन जाएगा इसका, ये डायगनल जो है अपना ये आ जाएगा। तो ये इस टाइप का हमारा जो है स्टील होता है, ठीक है। अब ये लगाते कहाँ पे हैं मैं एक बार आपको दिखाता हूँ लगाते कहाँ पे हैं। तो ये देखिए, अभी आपको समझ में आया, ये बॉक्स कलवर्ट है पूरा पूरा एकदम 3D में आपको समझाया जा रहा है। सिविल गुरु जी आपके लिए पूरा एकदम 3D मॉडल लेके आए हैं। तो ये देखिए, ये है अपना बॉक्स कलवर्ट। अब देखिए पूरा वर्टिकल बार हमारे सब कुछ लगे हैं, ये साइड का है वॉल है वर्टिकल वॉल, और नीचे देख रहे हैं राफ्ट है। राफ्ट के नीचे आप देखेंगे ये आपको कुछ नजारा इस तरीके से मिलेगा। ये क्या है, ये हमने लगाया है क्या, यही ये वाला पोर्शंस जो है ये पूरा लगा हुआ है, ये हमारा शेयर की है। क्या है ये, यही शेयर की है। अब इसको लगाते कहां है, ये लगाते हम कहां पे, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में। ये देखिए, ये फ्रंट से है, अभी मैंने साइड व्यू दिखा था आपको, अब ये देखिए फ्रंट व्यू है। ये क्या है, डाउन पोर्शन है, ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के पोर्शन में लगता है। आप देखें ये वर्टिकल लगा है, ये वर्टिकल है और पानी इधर से आ रहा है या इधर से जाएगा अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम से। तो इसको यहाँ पे इसलिए लगाते हैं, ये इस अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के पोर्शन में हम शेयर की को लगाते हैं। तो इसका लगाने का रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों लगाते हैं, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है हमारे बॉक्स कलवर्ट पे। तो दोस्तों एक बार मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए कि ताकि उनको ये जानकारी जरूर पता चले कि शेयर की होता क्या है। आपको ड्राइंग जब भी साइट पे मिलेगा ये आपको पता रहेगा कि हमारा शेयर की का साइज क्या है और शेप क्या है, पर आपको वहाँ पर कन्फ्यूज़न होगा इसको लगाना कहाँ पर है। वहाँ पर ये मेंशन बहुत कम डिज़ाइनर देते हैं, वो अपने हिसाब से ही वहाँ पे क्लाइंट आपको बताएगा कि शेयर की कहाँ पे लगाते हैं। तो क्लाइंट से न जानते हुए आप सिविल गुरुजी में आप सीख लीजिए कि शेयर की कहाँ पे लगाते हैं, कि जब भी आपको मिले तो तुरंत आप देखें ऊपर से धड़ाधड़ जो है अपना काम करना चालू कर दें। फटाक से निकाला BBS निकाल में आदमी लोग को देना है, हेल्पर लोग को देना है, लेबर लोग को, और बोलना है काम करो, उसके बाद साइट पे चल के काम करवा रहा है। इसका फ़ायदा समझ लेते हैं कि ये है क्या, इसको लगाने से हमको क्या फ़ायदा मिलने वाला है। तो ये देखते हैं, शेयर की आपका ऐसे ही है, अब देखते हैं इसका फ़ायदा क्या है। तो यह एक वर्टिकल कंपोनेंट है, जैसा मैंने आपको बताया था, दिखाया अभी कि हमारा ये सीधा रहता है, ठीक है, ये एक वर्टिकल कंपोनेंट है। और इसका ये काम क्या है, मेन काम क्या है, देखिए रेजिस्ट द फोर्स, ये फोर्स को रेजिस्ट करता है, ठीक है। फोर्स कहाँ से आएगा, जब भी हमारा तेज बहाव, पानी का जब तेज बहाव आएगा अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम की तरफ, तो बॉक्स कलवर्ट क्या है कि ज़्यादा वो ग्राउंड लेवल के नीचे ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है, तो वो ऊपर ही है। और पानी का बहाव से, पानी के बहाव से क्या होगा, हमारा बॉक्स कलवर्ट क्या है, खिसकना चालू कर देगा, जिससे हमको क्या होगा, नुकसान मिलेगा, ठीक है, हमारे जो स्ट्रक्चर पे फेलियर होने के चांसेस होते हैं। तो ये रेजिस्ट करता है, ये क्या होता है, जैसा कि अभी आपने देखा था ये लगाया गया है नीचे, अभी यहाँ से पानी अगर आएगा, पानी का फोर्स आएगा, वाटर अगर यहाँ से जा रहा है, ठीक है ना, यहाँ से वाटर बह के जा रहा है, तो ये क्या होता है, आप स्ट्रीम से फोर्स मारता है, फोर्स देगा कि ये जो हमारा बॉक्स कलवर्ट नीचे आगे खिसक जाए, पर ये क्या है, ये रेजिस्ट करता है, उस प्रेशर को रेजिस्ट करता है। ये यही मेन काम है कि हमारे कितना भी पानी का तेज बहाव आ जाए ये रेजिस्ट करके रखेगा, रोक के रखेगा, ये बाहर नहीं जाने देगा। यही मैं आपको बताना चाह रहा था, अभी आप लोग को शायद कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि शेयर की लगाते कहाँ पे हैं। तीसरा देखते हैं, ट्रॉइडिंग है स्ट्रांग, ये मजबूती देता है शेयर की को एकदम, हमारे बॉक्स कलवर्ट को मजबूती देता है, वो एक जगह स्टेबल रहता है कि वो कहीं हिल लेना, ये मजबूती देता है, जो फोर्स आ रहा है उस फोर्स से सहने की क्षमता देता है कि ये वहाँ पे स्टेबल रहे। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोवाइडिंग स्टेबल करेक्शंस, ये क्या है, स्टेबल मतलब स्टेबिलिटी देता है कि हमारा एक जगह स्ट्रांग रहे, ठीक है ना, सेम चीज़ें वही है, हमारा क्या है, बॉक्स कलवर्ट में मजबूती देता है और दूसरा स्टेबल बना के रखता है, वो एक जगह खड़ा होकर रहता है कि ये आगे पीछे ना हो, ठीक है, ये हमारा मेन काम है, ठीक है, और कुछ भी इसका ज़्यादा काम नहीं है, बस ये वही करता है कि पानी के प्रेशर को या फिर ऊपर से जब भी कोई लोड आ रहा है, ज़्यादा हैवी अगर कुछ व्हीकल्स जा रहे हैं उसको भी रजिस्ट करता है। और ज़्यादातर से ये पानियों में, ये उस जगह पर बनाए जाते हैं जहाँ पर पानी का बहुत तगड़ा ही फोर्स रहता है कि जिससे हमारे स्ट्रक्चर पर भारी नुकसान होने का संभावनाएँ रहती हैं। तो यह उन्हीं भारी नुकसान के संभावनाओं से बचाने के लिए हम बनाते हैं
शेयर की। आप याद रख लेना कि ये शेयर की जो है आपके ड्राइंग में मेंशन नहीं रहेगा, वहां पे केवल BBS के जहां पे हमारा रेनफोर्समेंट डिटेल होगा वहां पे बस केवल लिख के दे देगा साइज ये ऐसे ऐसे है। अब इसको आपको लगाना है, आप किस तरीके से लगाएंगे ये आपको वहां पे जो क्लाइंट है वो बताएगा करके कि यहाँ पे अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में लगाते हैं। ठीक है, ये देखिए अपना बॉक्स कलर्ट है, ये अपना सपोज मान लीजिए ये पानी उधर से आ रहा है, इस साइड से पानी आ रहा है, ये क्या हो रहा है आउटलेट है। ठीक है, अब पिस्टीम उधर हो गया, डाउन स्ट्रीम इधर हो गया, पानी का बहाव जब उधर से आएगा तो ये बॉक्स कलर्ट क्या है खिसकने की कोशिश करेगा, जिससे हमारा ये स्ट्रक्चर फेल होने के चांसेस हो जाते हैं। और इस पर अगर कोई व्हीकल्स हैवी लोड का जा रहा है तो उस टाइम ये भी जो है रेजिस्ट करता है उसके लोड को। यही हमारा शेयर की है। शेयर की क्या है अपना दिखता नहीं है, शेयर की हमेशा क्या रहता है ग्राउंड लेवल के नीचे रहता है। तो क्लियर हो गया, उम्मीद करूंगा कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर जो चीज़ें नहीं समझ में आई हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट में आप अपने राय जरूर दीजिएगा कि कहां आपको तकलीफ हुई है समझने में। तो इंजीनियर साहब बताते हैं कि बॉक्स कलवर्ट में शेयर की का कैसे हम कास्टिंग करते हैं, वहां कैसे लगाते हैं। तो आप देखिए ये हमारा एक बॉक्स कलवर्ट है, ये हमारा क्या हो गया अप स्ट्रीम और ये हमारा हो गया डाउन स्ट्रीम। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम हमको लगाना है, तो सपोज अगर ये 1 मीटर का है तो 1 मीटर का है तो लगभग हम 1500 तक एक्सवेट करेंगे लेंथ विड्थ में। ठीक है, यहाँ पे भी सेम ऐसे एक्सवेट करेंगे। ये करने के बाद क्या करेंगे हम, ये करने के बाद हम यहाँ पे PCC करेंगे, जितना हमको लेंथ चाहिएगा डेप्थ जो हमको चाहिए था हम उतना तक जाएंगे। ठीक है, अगर सपोज ये देखिए ये आप मान लो 1200 है, ये मान लो आप 1000 है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जो हमारा पहले इतना हो गया अब हम ये चेक करेंगे कि राफ्ट का हमारा थिकनेस कितना है। सपोज अगर हमारा राफ्ट का थिकनेस कितना है 300 mm है थिकनेस यहाँ से यहाँ तक, तो हम क्या करेंगे पूरा यहाँ तक हम 1000 है तो 1000 में से 700 तक का हम पूरा कास्टिंग करेंगे और 300 छोड़ देंगे, क्योंकि वो जो 300 आएगा वो पूरे राफ्ट में होगा। कहाँ जाए होगा वो राफ्ट में होगा, और इसी राफ्ट में हम क्या करेंगे वर्टिकल स्टील को भी हम लगाएंगे। ठीक है, तो वर्टिकल स्टील हमारा कहाँ लगेगा साइड में लगेगा, यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है, इस 300 को हम कनेक्ट करते हुए हम राफ्ट बनाएंगे, राफ्ट बनाने के बाद जो है हम यहाँ पे कास्टिंग करेंगे इजिली अच्छे तरीके से हम कास्टिंग करेंगे। अब ये क्या करेगा, कोई भी फोर्स अगर आएगा अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम की तरफ तो हमको वो रेजिस्ट करेगा, बचा के रखेगा, कहीं स्ट्रक्चर जो हमारे फेल होने के चांसेस नहीं रहेंगे। ऊपर से जो लोड भी आएगा वो लोड को भी ट्रांसफर करेगा, और पानी के बहाव का अगर तेज है तो वहाँ पे ये भी उसको स्टेबल देगा। जैसा कि अभी हमने देखा था, पढ़े थे 4-5 पॉइंट, जो कि पहला एक वर्टिकल कंपोनेंट है, फिर फोर्स को रेजिस्ट करता है, फिर उसके बाद स्ट्रांग प्रोवाइड करता है, उसके बाद स्टेबिलिटी भी वो प्रोवाइड करता है बॉक्स कलवर्ट। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि उनको भी ये चीजें पता चले कि शेयर की होता क्या है। तो दोस्तों करना है खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए अलविदा, जय हिंद।